अजे तक तो यह पता लग्या कि वह उत्थे किसे तरह की बेअदबी की गल नहीं है, अजे तक इत्थे असीं पहुंचे हां और वह बंदिया ने बंदे नूं फड़ के मार दिता। अमृतसर में मामला होता है, उसके बाद कपूरथला में भी होता है, उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था? और अगर इनपुट था या नहीं था, उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना, सेंट्रल एजेंसीज द्वारा आपको अलर्ट किया गया था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? कोई ऐसा नहीं बात है, हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से इस तरक्की से काम कर रहे हैं। सर जिस शख्स की जान गई है, हो सकता है इन घटनाओं के पीछे या प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं। सर जिस शख्स की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ इनपुट आया है कि वो शख्स आखिरकार वहां पर कैसे पहुंचा और क्या उसके पास? इसकी पूरी तहकीकात, वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसके अपने ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्रेस कर लिया मामला, किदा की मतलब जानकारी पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? अजे तक तो यह पता लग्या कि वह उत्थे किसी तरह की बेअदबी की गल नहीं है, अजे तक इत्थे असीं पहुंचे हां और वह बंदिया ने बंदे नूं फड़ के मार दिता है। चार्जशीट होए ने चलान पेश किया गया, उस बंदे नूं उस अफसर नूं यूज किया गया बिक्रम जीठिया के खिलाफ केस दर्ज करन गए, जेडे चंगे अफसर सी उन्होंने ना कर दिती। देखो जेड़ा सही काम करे हुण जे हो गया, आ गल पूरा पंजाबी लोग तड़प तड़प के कह रहे सी कि जी जिन्हां लोगों ने साड़ियां जवानियां गाड़ियां उन्हां ते पर्चे दर्ज किए जाण, उन्हां नूं फड़ के अंदर किया जाए, ये अज दी नहीं है डिमांड, यह सारियां पार्टियां दी मैनीफेस्टो विच, ये सारियां पार्टियां विच चीक रही सी, पार्टी कद मैनीफेस्टो च कोई गल दिंदी है, पार्टी कद स्टेजा पर बोलती है जो लोगों की डिमांड हो, ये तो आवाजे खलकत आवाजे खुदा बन गई है कि इन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई है। ऐसी कोई गल नहीं है, पिंकी बैठा के उन्होंने सुनिया, उन्होंने अपना कोई मसला, पिंड चिट्टा विक रहा जो मामले की गल कर रहे हो, एक वड्डा मामला सी बाहर दे विच भी सप्लाई हो रहा है, लेकिन अजे भी जिहड़ा पंजाब दे पिंडां दे विच चिट्टा विक रहा है उसनू भी एक वड्डा नैक्सस चला रहे हैं, एक उदों तक नैक्सस जिहड़ा खत्म है। मैं कदे भी जब कोई पत्र गल करदा उहनू रूल आउट नहीं करदा, लेकिन असल दे विच क्या है, हर लोग करप्शन दे विच भी लोग कहते यार बड़िया नूं कोई फड़दा नहीं है, इत्थे आ के थले कलरकां नूं हत्थ पाई जांदे, इसे तरह बड़े तस्करा नु कोई फड़दा नहीं है, वो जेडे नशे माड़ा मोटा कोई मुंडे ने खा लिया उन्होंने फड़ के अंदर दे देने, 50,000 बंदा मेरे पास देखो, आ मैं थोड़ा दसा किन्ने पर्चे हुए है, 51,011 केस NDPS दे दर्ज हुए है, 66,376 अरेस्टा हुई है पिछले 4 साल, 2,399 किलोग्राम हेरोइन फड़ी गई है, 13 किलोग्राम स्मैक फड़ी गई है, 31 किलोग्राम, 220 करोड़ दी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, लेकिन ये जेडे 66,000 बंदे बड़े तस्कर नहीं है, इहदे विच ज्यादा वह है जेडे लोग नूं लत ते लगा लिया गया ते फड़े ओह खाण लग गए, इस करके जद तक तुसीं बड़े बंदिया नूं हत्थ नहीं पाउंदे थले डरे नहीं जांदा, क्योंकि ये लोग उपर ते हल्ला शेरी दिंदे रहिंदे सी, कोविड का थ्रेट है पंजाब इलेक्शन पे, अभी ओमिक्रॉन की बात आ रही है, थर्ड वेव की बात आ रही है, कितना आप खतरा देखते हो वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए, आप क्या करते हैं? देखो कोविड का खतरा है, इस करके सानू इहदा ध्यान रखना चाहिए, मैं पंजाबियों नूं पंजाब दे लोकां नूं बेनती करना चाहुंदा कि इतिहास पढ़ते रहो, कोविड कई